अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने वाली हूँ। ईद आने वाली है तो ईद स्पेशल कुछ तो मीठा बनाना बनता ही है। तो जो डिज़र्ट मैं आज बनाने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही यम्मी, और देख के तो आप समझ ही गए होंगे, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रही है। तो और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही यम्मी है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ आप सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी को फॉलो करें। रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर से ये मज़ेदार सी मलाई रोल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मलाई रोल के लिए रबड़ी बना के तैयार करना है। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, और दूध हमेशा आप फुल क्रीम वाली जो है, फुल फैट वाली दूध यूज़ करें। तो चलिए अब इसे हम डाल देते हैं बॉईल करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख दिया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इस पर दूध ऐड कर देंगे। तो अब हमें गैस का फ्लेम एकदम से हाई पे रख लेना है और इसको इस तरह से चलाते हुए हमें इसे पकाना है। जब तक कि ये 1 लीटर दूध हाफ लीटर में ना हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाते जाना है। तो आप देख सकते हैं दूध जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, यानी कि 1 लीटर का हाफ लीटर हो गया है। और साइड में जमी हुई मलाई के साथ हमने इसको इस तरह से निकालते हुए हमने इसको पका लिया है। तो अब जो है गैस का फ्लेम मैं जो है स्लो कर लूँगी, क्योंकि हमने शुरू से अब तक जो है गैस का फ्लेम हाई पे रखा हुआ था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जो है मैंने यहाँ पे अमूल का ले लिया है, आप कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये 200 ग्राम के पैकेट में आता है, तो मैं अब इसे पूरा ही इस पर ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, इस पर ऑलरेडी शुगर होता है। तो अब ऐड कर देंगे इसमें हम कंडेंस मिल्क। 200 ग्राम से हम 1 टेबल स्पून जितना इसमें मैं बचा लूँगी, और इसका यूज़ मैं बाद में करूँगी, आपको दिखाऊँगी ज़रूर। अब मिक्स कर लेंगे फटाफट से, और गैस का फ्लेम फिर से हम हाई पे कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जो है इलायची का पाउडर, और इस पे डाल दूँगी थोड़ा से केसर के धागे, और फिर से मिक्स कर लेंगे हम इसे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, उसके बाद हमारी जो रबड़ी है बनके तैयार हो जाएगी। हमारी जो रबड़ी है बनके एकदम से तैयार है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर में रख देंगे एकदम से ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम जो है रोल की तैयारी कर लें। अब मैंने गैस पे एक पैन रख लिया है, और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है दूध डाल दूंगी, और दूध को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही दूध गर्म होगा मैं इसमें डाल दूंगी 2 टीस्पून जो है शुगर, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और हम शुगर को मेल्ट होने तक स्लो फ्लेम में इसको पका लेंगे। जैसे ही जो है शुगर मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप खोआ, और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें, और गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो में रखना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े कटे हुए बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम मिक्स करेंगे, और जो है गैस का फ्लेम मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। ये थोड़ा सा हमें जो हमें इसको लिक्विड से थोड़ा सा डो के फॉर्म में लाना है। तो आप देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है, और ये पैन भी छोड़ने लगा है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा लिक्विड है, क्योंकि ये जितना गर्म होते जाएगा खोआ उतना ही लिक्विड होते जाएगा। तो अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर लूँगी और इसे प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। ये ठंडा होने के बाद फिर से जो है ये जम जाएगा। अब रोल बना लेते हैं। तो ब्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप देख सकते हैं आप जितना चाहें उतना बनाएं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड ले लिया है, और इसके साइड का जो हिस्सा है हम काट कट करके उसे निकाल लेंगे इस तरह से।
साइड का हिस्सा हमें कट करके निकालने के बाद हमें ब्रेड को बेल लेना है इस तरह से। अब मुझे इसमें कंडेंस मिल्क लगा देना है, मैंने जो रखा हुआ था। ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉर्नर में इस तरह से लगा लेंगे। अब इसमें हम जो हमने खोआ बनाया था उसे रख देंगे। और इसके बाद इसको रोल कर लेना है इस तरह से। तो देख सकते हैं रोल हमारा बन गया है। अगर ये ना चिपके तो और एक बार आप इसे यहाँ पे जो है कंडेंस मिल्क लगा लें, या फिर आप पानी भी लगा के इसे चिपका सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा गार्निश कर लेते हैं, चेरी लगा देंगे हम सब रोल में एक एक। अब इसमें डाल देंगे हमने जो रबड़ी बना के तैयार किया था, वो एकदम से अब रूम टेम्परेचर में ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ बादाम। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा केसर के धागे रख दूंगी। तो लीजिए तैयार है मजेदार सा मलाई रोल, जो कि बहुत ही बनाना इजी है। और इसे आप चिल्ड करके सर्व करें, इंजॉय करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी मलाई रोल की रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही इंस्टेंट डेजर्ट की रेसिपी है, आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलूंगी एक नए अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।